चांस भी हो सकता है वीएसटी के 20 रन को डाउन किया जाएगा। वहीं गॉड आई की बात करें वो भी डाउन किए जाएंगे, जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जाएगा। मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई, लेकिन टीम गॉड लाइक उन्होंने डायरेक्टली एक स्लैम इन दिया है। ऊपर ऑलरेडी प्लेयर मौजूद और भगा भगा की लॉबी से भागने की कोशिश, पर डेथ पावर वो डाउन किए जाएंगे। वो अकेले ऊपर की तरफ चले गए। जेनेक्स एफएम की स्क्वाड यहां पर मौजूद है, जो बाकी के प्लेयर्स है, अगर वो क्लोज इन करते हैं मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं। अभी भी देखिए क्लोज इन करना तो था बट उन्होंने क्लोज इन किया नहीं, वो पीछे निकल गए। बट देखना ये कि एस पावर उनको यहाँ पे रिवाइव किया जाएगा। जॉनथन एक और बढ़िया ग्रेनेड आता हुआ, एक और खिलाड़ी डाउन किया जाएगा। पाफ के लिए वो भी यहाँ पे डाउन किए गए, रिटर्न में ग्रेनेड आया, शैडो एचपी थोड़ी डाउन हुई, एस पावर आसानी से रिवाइव कर दिए गए। बट जेनेक्स एफएम उनको समझना पड़ेगा, थोड़े और ग्रेनेड की जरूरत पड़ने वाली है। एक और बढ़िया डीपीएस का शॉट, जॉनथन डाउन किए गए। बट देखना ये कि क्या वहां पे फिनिशर्स निकाले जा सकते हैं। एक और डीपीएस का शॉट, एक और खिलाड़ी वहां पे डाउन होता हुआ, टीम गॉडलाइक बिखरते हुए आपको दिखाई देगी। एक और खिलाड़ी वहां पे मौजूद था, एस पावर संभालेंगे अपनी टीम की कमान, निकाले तीन फ्रैग्स और एलिमिनेट किया जेनेक्स एफएम। क्या अब वो ग्रेनेड अंदर जा पाएगा फाइनली? शायद नहीं, एक्यूरेसी और प्रिसाइसनेस में थोड़ी सी कमी, बट एस पावर देखना ये कि क्या वो कुछ कमाल दिखा पाएंगे। एक ग्रेनेड उनके हाथ में भी, वो एक्चुअल में वो जो व्हीकल ब्लास्ट था उससे दो खिलाड़ी उनके डाउन किए गए, बट खलनायक उनका ग्रेनेड गया, पंक को डाउन करेगा और इसी के साथ डक एक और बढ़िया ग्रेनेड और एस पावर डाउन। बात कर जी गॉड, वो भी डाउन कर दिए गए प्राइम के द्वारा। टीम गॉड लाइक दिक्कतों का सामना एक बार फिर से उनके लिए बनता हुआ। खुशी की खबर ये कि आसपास और भी टीम मौजूद नहीं थी, बट वहां पे उन्होंने रश कर दिया। देखना यह कि क्या ये रश टीम गॉड लाइक वो संभाल पाएंगे। स्टोनी सामने मौजूद रहेंगे, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाएगा पावर के द्वारा। अभी भी वहां पे एक खिलाड़ी को रिवाइव करना बाकी रहेगा, बट स्टोनी वो यहाँ पे आए हैं, ग्रेनेड का थोड़ा डैमेज पड़ा। एलजी उनके बाकी खिलाड़ियों को आना पड़ेगा। इस पावर एक और ग्रेनेड उनके हाथ में रहेगा, डीबीएस का इस्तेमाल करेंगे, प्राइम डाउन किए गए शैडो के द्वारा। जी गॉड अभी भी नॉक पड़े रहेंगे, बट जी गॉड उनके ऊपर एक ग्रेनेड गया, प्राइम डाउन करेंगे जी गॉड को, प्राइम समाप्त हुए। बड़े पावर कमान उनके हाथ में, तीन प्लेयर्स दोनों टीमों के पास यहाँ पे बच चुके हैं। कुछ ना कुछ मैजिक यहाँ पे गॉडलाइक को करना पड़ेगा। एलजी भी इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है पॉइंट टेबल का बात किया जाए तो, उनको भी अच्छा खेलना पड़ेगा। बट एस पावर थोड़े से अलग यहाँ पे एक नॉक निकालेंगे, दो नॉक निकालेंगे। एस पावर नहीं है, सुपर पावर है गॉडलाइक के, जिस तरह से वो खेल रहे हैं सेवियर बनते हुए, जब डेस्परेशन सबसे ज्यादा थी एस पावर चमकते हुए। एंड एलजी सचिन अब एक आखिरी प्लेयर बचे हैं, जी गॉड को गवा चुकी है गॉडलाइक, बट ये चार फिनिशेस जरूर उनको मिलेंगे। एंड एस पावर सुपर पावर द न्यू प्रिंस ऑफ वीजीएमआई, आई वुड से क्या खेल रहा है ये।